शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। हम ज्ञान सूक्त के इमे न अर्वांग न परश्चरन्ति इस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये ज्ञान की चर्चा जिसके अंदर वेद के ज्ञान की चर्चा है, ये ऋग्वेद का 71वां सूक्त है 10वें मंडल का, और इसका ऋषि बृहस्पति और इसका देवता ज्ञान। हमने पिछली चर्चा में एक बात देखी थी कि ये मंत्र कह क्या रहा है। ये मंत्र कह रहा है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। अब यहाँ है इमे न अर्वांग न परश्चरन्ति, तो ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कोई ऐसा करता होगा, कभी कभी कोई ऐसा करता होगा। कहता नहीं, दुनिया में ऐसा करने वाले सदा रहते हैं, या तो कुछ इस रास्ते जाने वाले होते हैं या कुछ इस रास्ते जाने वाले होते हैं। ये जो निरंतरता है ये सदा ही है, नहीं तो वेद को कहने की आवश्यकता नहीं थी। वेद कह रहा है तो हर समय कहीं ना कहीं कोई न कोई उसका पात्र है, क्योंकि वो बात वेद जब कहता है तो वो बात अधूरी नहीं कहता है, आधे लोगों के लिए नहीं कहता है। वेद के ज्ञान की जब चर्चा चलती है तो मैंने पीछे भी एक बात आपको बताई है कि वेद का ज्ञान क्यों है, क्योंकि कोई भी दुनिया में वस्तु है, मेरा चाहे शरीर ही है, यदि मुझे चीज है तो इसका कोई उपयोग होना चाहिए, और उपयोग होना चाहिए तो दुनिया की कोई वस्तु तब तक उपयोग में नहीं आ सकती जब तक उसका बोध न हो। इसलिए कोई ये कहे कि दुनिया में वस्तु तो दे दी और बोध बाद में दिया, वो खुद मूर्ख है और देने वाले को मूर्ख सिद्ध कर रहा है। क्योंकि देने वाला जब दे रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके पास वस्तु हो और वस्तु का ज्ञान ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि जिसको कोई वस्तु दी जाए और उसे ज्ञान से वंचित रखा जाए, ये भी संभव नहीं है। तो फिर जिसको आप ईश्वर कहते हो उसने दुनिया में एक भी वस्तु निरर्थक बनाई ही नहीं जिसका कोई प्रयोजन ना हो। जब उसका कोई प्रयोजन निश्चित रूप से है तो प्रयोजन की जानकारी निश्चित रूप से है, और वो जानकारी किसी न किसी रूप में संसार जिस प्रयोजन से जिस उद्देश्य से बना है उसके लिए भी होनी चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, कृमि हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो। तो इसका मतलब सीधा सा निकला कि देने वाला जिसके लिए दिया जा रहा है और जो चीज दी जा रही है, इस सब को जोड़ने वाली यदि कोई चीज है, मुझे कोई वस्तु कोई दे रहा है लेकिन मैं उससे परिचित ही नहीं हूं तो मुझे क्या पता लगेगा इसका क्या महत्व है, ये क्यों दे रहा है। जो वस्तु मुझे दी जा रही है मुझे उसके उपयोग का पता नहीं है तो मैं वस्तु लेकर क्या करूंगा, और यदि वो मुझे न जानता हो कि वो मेरे काम की है तो मुझे देने से क्या फायदा है। तो ये संसार में जो भी बना होगा, जब भी बना होगा, जिसने भी बनाया होगा, उसने संपूर्णता के साथ ही बनाया होगा, कोई चीज बाद के लिए छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि काम उसी दिन आनी है, उसी के आनी है, तो इसलिए बाद में दूंगा। भूख मुझे आज लगी या कहता रोटी बाद में ले जाना, क्यों ले जाना, क्या अर्थ है उस रोटी का। तो इसलिए ये कहता है कि ये संसार में जो है लोग जो चल रहे हैं ना, ये शुरू से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, ये चलते आ रहे हैं, कुछ उस रास्ते पर जाने के लिए चल रहे हैं और कुछ इस रास्ते पर जाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलने वालों में भी बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है, तो कहता है त एते वाचम अभिपद्य पापया। जो लोग अच्छे को नहीं जान सकते तो किसको जानेंगे, बुरे के साथ जुड़ेंगे, या तो अच्छे को जानते हैं तो अच्छे के साथ जुड़ेंगे, और बुरे अच्छे को नहीं जानते हैं तो बुरे के साथ जुड़ेंगे, और बुरे के साथ जुड़ेंगे तो वो पाप क्यों होगा। वो कहता है जी मैं तो अच्छे को जानता नहीं था इसलिए मैं बुरे के साथ जुड़ गया,
इसलिए परमेश्वर मेरी गलती क्यों निकालता है, मुझे अपराधी क्यों बनाता है? इसका उत्तर यह है कि जानना जो है यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका उत्तरदायित्व है। ज्ञान दिया हुआ है, जानने के साधन दिए हुए हैं, ज्ञानी दिए हुए हैं। यदि वो उसके लिए मैं प्रयत्न नहीं करता, ये किसी भी कारण से, चाहे मेरे गुरु ने नहीं किया, चाहे मेरे गुरु के गुरु ने नहीं किया, या मेरे पिता ने नहीं किया, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे बड़ों ने नहीं बताया इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता। सामान्य नियम ये है, कानून पहले तो लागू नहीं होता जब बना है उससे, लेकिन बनने के बाद उन सब पर लागू होता है जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं। तो मनुष्य का बनाया हुआ नियम जानने वाले पर भी दंड का प्रहार करता है और नहीं जानकर तोड़ने पर भी दंड का प्रहार करता है। क्यों? वो ये मानता है कि जानने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, अर्थात जिसके अधीन तुम हो, जिस परिस्थिति में तुम हो, वहां के बारे में जानने की योग्यता और सामर्थ्य तुम्हारे अंदर मैंने दिया है, उसके बाद न जानना यह बताने वाले की त्रुटि नहीं है, यह बनाने वाले की त्रुटि नहीं है। गाड़ी आपको दे दी गई, गाड़ी के बारे में बता दिया गया, उसके बाद आप गाड़ी की टक्कर मारते हैं तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए बनाने वाला जिम्मेदार नहीं है, वह आपके अज्ञान का दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा। वैसे यहां एक बात कहता है, तयेते वाचम अभिपद्य पापया। यदि आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो एक बड़ी तात्विक बात जो यहाँ कही है, त एते वाचम अभिपद्य पापया सीरिस तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञयः। अप्रजज्ञयः जो प्रज्ञानी नहीं है, जो जानकार नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सीरिस तंत्रम तन्वते। अब यहाँ अर्थ के करने का एक प्रकार देखिए, जितने नए भाष्यकार हैं, चाहे वो सायण हो, माधव हो, दूसरे लोग हों, वो इसका अर्थ करते हैं कि वो जो पढ़ते नहीं हैं वो हल चलाते हैं। ये बात तो हमारा आज का आदमी भी कह देता है, अरे भाई तू पढ़ेगा नहीं तो क्या हल चलाएगा, तू पढ़ेगा नहीं तो क्या मजदूरी करेगा, तू पढ़ेगा नहीं तो और करने को है क्या, शारीरिक श्रम ही तो करेगा। तो शारीरिक श्रम सीरिस तंत्रम तन्वते, लेकिन उससे एक बात और लगती है, जैसे मान लो कोई मजदूर श्रम की या कृषि की निंदा जैसी कर रहा है, स्वामी दयानंद इसका अर्थ करते हैं सीरिस तंत्रम तन्वते। वो कहता है कि अपने शरीर को, अपनी शिराओं को वो इस तरह कैसे तान लेता है, बना लेता है, वो केवल जो शरीर के शरीर को ही पुष्ट करने में लगा रहता है, इस शरीर को पुष्ट करने में लगा रहता है। इस बात को समझने में बहुत अच्छा एक मंत्र काम आएगा, वो मंत्र है शिष्णोदर परायण। वहाँ एक वाक्य लिखा है शिष्णोदर परायण। अब संसार के वास्तविक वर्तमान की या आधुनिकता को समझने के लिए दो शब्द बड़े अच्छे हैं, और इस शब्द के कारण से कुछ लोग यह समझते हैं कि वेद जो हैं वो शैव धर्म का अनुयायी है, क्योंकि वो देखते हैं कि शिवलिंग की उपासना वर्तमान काल में हो रही है, जिस काल में हो रही है तो वेद में आया है कि ये शिष्ण पूजक लोग हैं, इसलिए ये शिव के उपासक हैं और ये इस काल के नहीं है, इस काल के नहीं है। ये ज्ञान गलत है, क्योंकि गलत क्या है, ये जो इसके जो प्रभाव हैं, जो इसके प्रमाण हैं, वो मनुष्य के साथ पूरे जीवन से जुड़े हुए हैं। पशु को देखो, पशु क्या करता है, शिष्णोदर पारायण, उसका और कोई तीसरा ही काम ही नहीं है, पेट भरना चाहिए, पेट भरने के बाद उसके बाद कोई चीज है तो उसके संवेगों की पूर्ति होनी चाहिए। इसको भर्तृहरि के शब्दों में कहें तो वो कहता है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशु भी समान। अर्थात जो सच है वो सच दुनिया में किस स्तर पर चल रहा है, वो सच पशुओं के स्तर पर देखा जा रहा है, पशुओं के स्तर पर हमें मिल रहा है। क्यों? कि उनका सारा जीवन केवल इन्हीं दो कामों में व्यस्त है, अपनी संतति का निर्माण करने में और अपने को जीवित रखने में, और इसी दो का नाम है शिष्णोदर परायण। अर्थात जो अपनी संतान के लिए प्रयत्न करते हैं या जो अपने जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, उदर मेरा जो है अपने जीवन के लिए प्रयत्न करने का प्रमाण है, उदाहरण है, और शिष्ण जो है वो मेरे भावी पीढ़ी का प्रतीक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये जो करते हैं
वो तो ऐसी प्रक्रिया है जो बिना ज्ञान के भी की जा सकती है, होती है। क्यों? कि वो पशुओं में भी होती है, पक्षियों में भी होती है, कीट पतंग में भी होती है। यदि मनुष्य भी केवल उतना ही करता है तो उसके मनुष्य होने का क्या लाभ है, उसके मनुष्यत्व का क्या लाभ है? तो इस मंत्र में जो तीन स्तर हमारे सामने रखे हैं, मनुष्यता के तीन स्तर रखे हैं, मतलब एक स्तर सबसे नीचे का स्तर है जिंदा रहना। जिंदा रहेगा तो वो अपने आप को शरीर के रूप में भी जिंदा रखना चाहता है, और वो अपने आप को अपने भविष्य के रूप में, अपनी संतान के रूप में भी अपने को जिंदा रखना चाहता है। और उस जिंदा रखने के लिए जो प्रयत्न उसे करने पड़ते हैं, उसे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ज्ञान तो पशुओं में भी जब समान रूप से उपस्थित है तो मनुष्य में क्यों नहीं है? तो यहाँ मंत्र में जो बात कही गई है, सीरी तंत्रम तन्वते, अर्थात अपने शरीर को ही केवल पुष्ट करता है जो केवल अज्ञान में लगा हुआ है। तो अज्ञान की स्थिति, कम ज्ञान की स्थिति और उच्च ज्ञान की स्थिति, तीनों की चर्चा इस मंत्र में हम देखते हैं। तो हमने पहले ये देखा था कि वो जो सबसे ज़्यादा संसार जिनके लिए उपयोगी है वो है इस संसार से पार होने वालों के लिए, दूसरा संसार उपयोगी है इस संसार को अच्छी तरह से जीने के लिए, तीसरे हैं जो आज अच्छी तरह से जीना चाहते हैं और कल भी अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है कि एक तो नीचे के स्तर का व्यक्ति है, वो भी तो अच्छी तरह से ही जीना चाहता है, वो भी तो सुख से ही जीना चाहता है, उसका पेट भी भरा होना चाहिए, उसको इंद्रियों का सुख भी मिलना चाहिए, वो भी तो सुख ही चाहता है। तो उससे और जो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है, जो संसार में सुखी होकर जीना चाहता है, उन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है परिणाम का, अंतर है उपाय का, अर्थात इसको जीने के लिए मैं किन उपायों को काम में लेता हूँ और वहाँ जीने के लिए मैं किन उपायों को काम में लेता हूँ। यहाँ तो मुझे केवल अपनी तृप्ति करनी उद्देश्य है तो मैं किसी भी उपाय को काम में लेता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे स्तर पर आता हूँ तो मुझे एक अनुभव होता है कि ये तृप्ति केवल वर्तमान का विषय नहीं है, ये तृप्ति मेरे लिए केवल आज का विषय नहीं है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये तृप्ति केवल मेरा विषय नहीं है, ये विषय मेरे लिए आज का भी है, ये विषय मेरे लिए कल का भी है, ये विषय मेरे साथ मेरे जैसे औरों का भी है। तो इसलिए जब निर्णय की बात आती है तब व्यक्ति जब सोचता है कि मुझे मेरे लिए अकेले के लिए निर्णय करना है, मेरे लिए केवल आज के लिए निर्णय करना है, मेरे लिए केवल अब के लिए निर्णय करना है, तब मेरा व्यवहार अलग होता है। तब जो भी आप कहते हैं, ये चोर बहुत खराब है, ये डाकू बहुत खराब है, ये अबकतरा बहुत खराब है, अच्छा और खराब का झगड़ा नहीं है, वो वर्तमान के लिए उसी क्षण के लिए जीना चाहता है, वो केवल अपने लिए जीना चाहता है, वो केवल जब अपने लिए जीता है, व्यक्ति के लिए जीता है, आज के लिए जीता है, अब के लिए जीता है, तो बस आज के साधन प्राप्ति उसका उद्देश्य रहता है जीवन का। अब ये जो तीन परिस्थितियां हैं, ये तीनों केवल उद्देश्य के कारण भिन्न है, तीनों का प्रयोजन अलग होने से तीन परिस्थितियां हैं। यदि प्रयोजन इनमें से हट जाए तो परिस्थिति भी अलग नहीं हो सकती या परिस्थिति अलग नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं जो मुक्ति के लिए यत्न कर रहा है वो बहुत अच्छा आदमी है, जो संसार में दूसरों का भला कर रहा है ये कुछ कम अच्छा आदमी है, जो केवल अपना भला करने में लगा है ये शायद बहुत खराब आदमी है। ऐसा वास्तव में देखा जाए तो ऐसा है नहीं। क्यों? कि तीनों के तीन प्रयोजन हैं, तीनों एक अवधि के लिए जीना चाहते हैं, एक अब के लिए जीना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है, अपने से बाहर के उसके जीने की कोई चिंता नहीं करना चाहता, उसको आप चोर कहते हैं, उसको डाकू कहते हैं, उसको जेबकतरा कहते हैं, उसको बलात्कारी कहते हैं, उसको कुछ भी कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं, बुरा आदमी कर रहा है और उसके करने का परिणाम हो रहा है, और जो कर रहा है और उसका परिणाम हो रहा है तो किस पर हो रहा है, किस प्रयोजन से हो रहा है? तो जो करने वाला कर रहा है वो एक सीमित प्रयोजन के सीमित समय के लिए कर रहा है, इसलिए उसको इतना ही करना अच्छा लगता है, वो इसी में अपने आप को संतुष्ट समझता है कि मैंने आज किसी को लूट लिया। अच्छा, उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक आप एक अनुभव करेंगे, वो अनुभव क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसा धन आता है तो वो धन का अपव्यय बहुत होता है। मुझे एक बार एक पटवारी मिले, उनसे मेरा काम था, मैं मिला उनसे, मिला तो वो कहने लगे, अरे भाई देखो हमको क्या बचता है।
तुम कहते हो जैसे ये आदमी मुझे आज 400 रुपये दे गया, आज से 20 साल पुरानी बात है, 400 रुपये दे गया तो मेरे पास बचेगा क्या शाम तक? अब बैठेंगे, वो अफसर आएगा, उसको एक बोतल पिलानी पड़ेगी, एक मुर्गा लाना पड़ेगा, शाम तक इधर उधर आते जाते 400 रुपये समाप्त हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हो कि हम बहुत कमाते हैं? ऐसा नहीं है। तो अब ये कमा रहा है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कमा नहीं रहा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन तो है, और वो प्रयोजन आज का अब का है। वो आज के और अब के प्रयोजन के अनुसार काम कर रहा है, तो उस हिसाब से कमा रहा है। लेकिन जैसे ही आदमी सोचने लगता है तो उसका प्रयोजन बदल जाता है, और प्रयोजन बदल जाता है तो उसके उपाय बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, सोच बदल जाता है। तो वो सोच जब विचार में आता है कि मुझे आज ही तो नहीं खाना, मुझे कल भी तो खाना है, मुझे साल भर के लिए भी रखना है, अरे गेहूं तो 6 महीने बाद आएगा, अमुक फसल तो साल भर बाद आएगी, अरे ये चीज़ तो 2 साल बाद मिलेगी, तो आदमी उसके हिसाब से चलना चाहता है। जब वो ये सोचता है अरे घर में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, घर में तो मेरे और भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मेरे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर मुझे ये लगेगा अरे मुझे छीना है तो किसी ने मुझे दुख दिया है, तो मुझे दुख होता है, तो ऐसा है कि जिसको नहीं है उसके पास भी दुख हो रहा होगा, जिससे छीना गया है उसको भी दुख हो रहा होगा, तो उसका सोच बदल जाता है। वो कमाता भी है लेकिन परोपकार करना भी चाहता है, क्योंकि परोपकार इच्छा के बिना तो कोई भी नहीं कर सकता। एक आदमी को जब आप कहते हो कि चोरी करता है, लूटता है, डाका डालता है, जेब काटता है, तब वो किसी को देने की इच्छा तो नहीं रखता। लेकिन एक आदमी कमा तो रहा है, लेकिन कमाने के बाद सोचता है कुछ देना चाहिए, जो क्यों देना चाहिए? वो देना चाहिए कहता है कि जो कमज़ोर है, जो मेरे से कमज़ोर है, मेरे पीछे है, मुझ पर निर्भर है, उसके लिए मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि तब तक उसका जो मैं का दायरा है, मैं की जो सीमा है, मैं की रेखा है, वो बढ़ चुकी होती है। तो ये जैसे ही विचार उत्कृष्ट होते जाते हैं, उसका ये क्षेत्र जो है, उसका जो ये दायरा है, ये बढ़ता जाता है। तो जब वो स्वर्ग की कामना करता है, सुख की कामना करता है, अकेले सुख की कामना नहीं करता है, सबके साथ सुख की कामना करता है, इसलिए वो धर्म करता है, परोपकार करता है, सत्संग करता है, ज्ञान करता है। जब उसे लगता है कि अरे ये भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ भी दुख की समाप्ति नहीं हो रही है, दुख तो यहाँ रहना ही है, कभी सुख कभी दुख, ये मिला जुला सा रहता है, तब उसके मन में आता है कि यदि सुख और दुख दोनों हों तो क्या ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती कि मैं दुख से काफ़ी दूर चला जाऊं, जितना दूर जा सकता हूं उतना दूर चला जाऊं? तब वो तीसरी परिस्थिति पैदा होती है, और वो तीसरी परिस्थिति जिसे कहता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात, और जिसको ये यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि शीरिस तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञ यह। तो वो अप्रजज्ञ है, जो अज्ञानी लोग हैं, वो केवल शरीर की भौतिकता की पुष्टि, उनको बड़े मकान से, लंबे चौड़े शरीर से, बड़े भारे साधनों से और उपयोग तंत्रों से अपनी संतुष्टि होती है, एक को दूसरों का खिला करके संतुष्टि होती है, तीसरा जो है इसको छोड़ करके संतुष्टि पाता है, ये इस मंत्र का अभिप्राय है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।